हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जिक्की और आप देख रहे हैं टेक टू एडवांस उस नई वीडियो के साथ। जैसे आप सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका आज भी रेडमी 6 है तो उसमें दोस्तों आ गया एक नया अपडेट, वो भी आपका स्टेबल वर्जन के अंदर। तो उसमें हम बात करेंगे कि आपके स्टेबल वर्जन के अंदर रेडमी 6 के अंदर आपके क्या क्या खास फीचर्स आए हैं आपके लिए, और क्या क्या कुछ बग्स भी मिले हैं, कुछ नए फीचर्स हैं, या क्या क्या आपको पाई का भी अपडेट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। काफी सारी चीजें जो है, बहुत सारे अभी तक आप लोग सस्पेंस हो क्या इस वाले अपडेट में कुछ आपको खास देखने को मिल सकता है नहीं, तो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। बता देते हैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, अभी जाकर चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको रेडमी 6 पहले आपको मिल सके। तो ना समय का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी अगर जैसे रेडमी 6 प्रो के यूजर्स हो तो दोस्तों हमारी वीडियो आप जरूर देख रहे हो। जैसे कि आपको सभी जानते हैं कि रेडमी 6 प्रो का बहुत जल्दी जैसे अपडेट आ रहे हैं आजकल, तो दोस्तों सबसे पहले आपका स्टेबल वर्जन इनका अपडेट आ चुका है, जिसका वर्जन नेम है आपका 10.2270। तो हम बात करेंगे, जैसे कि आपको बता था इस वीडियो के अंदर में क्या क्या आपको देखने को मिलता है खास, तो हम खोल लेते हैं यहाँ पे ये रेडमी 6। जैसे कि आप देख सकते हैं MIUI 10.2270, ये भी आपका ओरियो बेस क्रोम है दोस्तों। अभी तक आपको इसमें पाई का भी अपडेट फिलहाल तो बीटा तो मिला नहीं, तो आपको यहाँ पे स्टोर में कहाँ देखने को मिल सकता है। वही अगर इस बात करें तो 136 MB का जो दोस्तों आपको लाइक जो अपडेट आया हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों हल्का डिस्काउंट सिस्टम पे आप देख सकते हैं क्या आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन किया गया आपका अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2019, इंक्रीज द सिस्टम सिक्योरिटी। बस दोस्तों मेरे ख्याल से अभी तो इंटरनल इतना ही दिखा रहा है कि आपको सिर्फ एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है आपका अपडेट कर दिया गया है, वो मार्च का हो गया है, और आपका जैसे मैंने बाकी सिस्टम में इंक्रीज और बाकी कुछ आपको खास इनको इस बार दोस्तों वाला अपडेट फिलहाल तो नहीं मिला है। जहां तक कि दोस्तों यहां पे सिर्फ आपको एक और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का मार्च का दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों। ये तो कम से कम अपडेट में फीचर बहुत ना बढ़ा है, कम से कम अपडेट सिक्योरिटी पैच लेवल है वो हमसे बड़ा रहना चाहिए, तो काफी आपके सिस्टम के लिए सेफ होता है। दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो मैं एक इन्फॉर्मेशन दी है आपको काफी अच्छी लगी। दोस्तों अच्छी लगी दोस्तों अभी के जाके हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आप लोग भी जाके अपडेट चेक कर लीजिए, क्या आपके सिस्टम पे वीडियो देख रहे बाद अपडेट चेक करने के बाद आपके पास भी अलग अपडेट आ चुका होगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।